या BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटर्नशिप करनी होती है, तो हमारी कंपनी इंटर्नशिप भी करवाती है, 21 डेज वाला करवाती है और लॉन्ग टर्म वाला करवा ले बताया कि बटन और रोस्टर के बारे में जानते हैं लोग जाते हैं। इसमें हमने अलग अलग मशरूम्स का डेमो लगा रखा है जो फार्मर्स को समस्या आ रही है, वो जब हमारे से पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, वरना होगा कि हमने रिस्पॉन्स दे के फ्री हो जाते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए जीवन मशरूम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से मशरूम ग्रो होता है, और दूसरा अगर आप कोई फार्मर हैं या फिर स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं यार कहीं पर आपको ट्रेनिंग मिल जाए तो आप इस कंपनी में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं कि मशरूम किस तरीके से ग्रो होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक वेराइटी के मशरूम के बारे में नहीं बताएंगे, आपको अलग अलग मशरूम जितने भी मशरूम होते हैं सबको कवर करके बताएंगे कि उनको किस तरीके से ग्रो करते हैं। और तीसरा मैं ये कहूँगा, इन फ्यूचर हम आगे ट्रेनिंग वीडियोस भी लाएंगे कि एक अलग अलग जो मशरूम्स हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के मशरूम्स हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनका कल्टीवेशन कैसे होता है और मार्केट किस तरीके से काम करता है अलग अलग वैरायटीज़ के मशरूम्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दीपक ने आपको ओवरव्यू तो कंपनी का बता ही दिया, हम कंपनी के CEO से कुछ कुछ अच्छे सवाल पूछेंगे जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां, मैंने भी मशरूम की बहुत सारी कंपनियां देखी है, किसान भी मशरूम करते हैं, स्टूडेंट भी मशरूम के अंदर आना चाहते हैं कि उसका कल्टीवेशन किस प्रकार से होता है, बिजनेस किस प्रकार से होता है, लेकिन बहुत सारी उनको दिक्कतें आती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी वाले ऐसे होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर ही नहीं पाते हैं। पहले इंटरव्यू बेसिस पे ले आते हैं कि भाई ट्रेनिंग करो, फिर उसके बाद पैसे लिए और फिर उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं, ऐसा वाला सीन होता है। लेकिन सर से हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कंपनी के जो CEO हैं, जिनसे कि वो फार्मर्स को किस तरह की सर्विस उपलब्ध करा पाते हैं और स्टूडेंट को भी ऐसी कौन सी सर्विस होती है जो स्टूडेंट को भी बहुत आसानी से यहाँ पे मिल पाती है। तो सर आप ये बताइए कि आप फार्मर्स को किस तरह की सर्विस जो अन्य कंपनियों से अलग होंगी आप करवाते हैं? सर फार्मर्स को हम जैसे होता क्या है, जनरली फार्मर्स को कहीं विजिट नहीं करने देते, जैसे मशरूम के फार्म वगैरह होते हैं तो वहाँ जनरली को आने विजिट वगैरह नहीं करने देते, ट्रेनिंग के बाद भी उनको समस्या आती है कई तरह की। हमने यहाँ पे फार्मर्स के लिए 2 डेमो यूनिट्स लगा रखी, जो पीछे आप बैकडॉप में देख रहे हैं, तो ये फार्मर्स के लिए लगा रखी हमने। हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन हम नहीं करते, हमारी कंपनी नहीं करती मशरूम का। फार्मर जब यहाँ आना चाहे, कोई भी कभी भी आ सकता है और यहाँ आके डेमो यूनिट्स ये देख सकता है कि किस किस तरह प्रोडक्शन होता है मशरूम का, अलग अलग मशरूम्स का, मतलब बटन और ऑयस्टर का नहीं है। आप इसमें सिटाके, ग्रैंडमा, लॉइंस, मैंने मिल्की, अपना किंग ऑयस्टर वगैरह, वो सब मशरूम पेडिस्ट्रो, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं कि उनका प्रोडक्शन किस तरह होता है। क्योंकि जनरली अपने यहाँ राजस्थान की बात करें, इंडिया में तो कुछ एक मशरूम्स पे काम लोग देखते हैं, बटन या ऑयस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, ओडिशा वगैरह में जाओगे तो वहाँ पेडिस्ट्रो ओनली, बट एक ओवरव्यू आपको देखना है कि मशरूम इस तरह की होती है। जब फार्मर यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ इतने सारे मशरूम देखने को मिलते हैं तो उनको लगता है कि यार ऐसी मशरूम्स होती है क्या, पहली बार देखी हमने। तो कई जैसे अपने गैनोड्रा मशरूम है, वो खेतों में वैसे उगाती है बरसात टाइम, तो वो देख के कि सर ये तो हमने देख रखी है, कि पता नहीं था इसका मेडिसिन यूज इतना होता है, क्योंकि कैंसर की दवाई बनती है उससे। तो यहाँ आने के बाद फार्मर्स को काफ़ी एक्सपोज होता है उनका, और दूसरा फार्मर्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, वो फार्मर को फार्म सेटअप करवाना और उनको सब्सिडी वगैरह दिलवाने में हेल्प करना, उस तरह की तो सर्विसेज हम फार्मर्स को देते हैं। और जैसे स्टूडेंट सब्सिडी देने का भी कहा, नहीं सब्सिडी गवर्नमेंट से दिलवाने का, क्योंकि फार्मर को नहीं पता होता है कि लोन कैसे लेना मुझे, या कितना सब्सिडी के लिए क्या क्या फाइल्स सही होती है, उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी होती है, फार्मर को नहीं पता। वो सब चीज़ें हेल्प हम करवाते हैं उससे उसमें। और जैसे आपने पूछा अभी कि स्टूडेंट्स के लिए हम अलग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम किसी जैसे BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटर्नशिप करनी होती है, तो हमारी कंपनी इंटर्नशिप भी करवाती है, 21 डेज वाला करवाती है और लॉन्ग टर्म वाला करवाती है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स अगर यहाँ अगर हमारे यहाँ से करना चाहे इंटर्नशिप तो वो भी कर सकता है। साथ ही जो स्टूडेंट इसको एज ए बिजनेस देख रहे हैं तो उनको भी हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, और उनको उनका पूरा सेटअप, कंपनी कैसे इस्टेब्लिश करनी है या उनका स्टार्टअप कैसे आपको बूस्टअप करना है, कैसे इनिशिएट करना है, कैसे लाइसेंस लेने होते हैं, क्या क्या लाइसेंस रिक्वायरमेंट होते हैं, कैसे कैसे उनको अप्लाई करना होता है, क्या क्या फीस होती है, कम से कम बजट में हम उनको कैसे ले सकते हैं, साथ ही बाद में मार्केटिंग कैसे करनी होती है, कि इस मशरूम की मार्केटिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो सब हम ट्रेनिंग के दौरान पूरा उनको ब्रीफ करते हैं और उनकी पूरी मदद करते हैं शुरू से लेकर एंड तक। दोस्तों मेरे को ये
सबसे बेस्ट लगी कि मार्केटिंग भी देखते हैं। दोस्तों बहुत सारी मैंने ऐसी कंपनियां देखी हैं जो मशरूम की कल्टीवेशन आपको करवाना सिखाते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं, लेकिन मार्केटिंग के नाम पे डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप अपने अनुसार देख लीजिए, आपको जो कर रहे हैं वो कर लीजिए, बस हमको तो हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, आप अपने अनुसार देखिए। लेकिन सर का ये चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी कि मार्केटिंग भी सिखाते हैं कि कहाँ इसको बेचना है, कैसे बेचना है, किस तरह से लेबलिंग करनी, ये सब चीज़ें सर सिखाते हैं। तो दोस्तों हम जो फार्मर्स के लिए जो डेमो रखा हुआ है, क्या है सर? डेमो यूनिट्स लगा रखी हमने। तो दोस्तों हम पहली डेमो यूनिट यहाँ पे विजिट कर रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट और फार्मर्स दोनों के लिए यहाँ पे मशरूम की डेमो यूनिट लगा रखी है कि किस तरीके से मशरूम होती है। और ये डेमो यूनिट जो है दोस्तों ये मेडिकल मशरूम के लिए है, तो हम सर से जानेंगे कि किस तरीके से ग्रोथ करती है। इसमें हमने अलग अलग मशरूम्स का डेमो लगा रखा है, जैसे सिटाके, गैनोडर्मा, लोइंस मैने जिसको हेरेसम भी कहते हैं, और भी किंग ऑयस्टर वगैरह काफ़ी मशरूम्स का हमने इसमें लगा रखा है। ये फार्मर्स के लिए लगा रखा है हमने स्पेशली, कि जब फार्मर यहाँ आए तो उसको यहाँ आने के बाद बहुत सारे मशरूम्स और बारे में जानकारी मिली, कि खाली बटन और ऑयस्टर की, जैसे मैंने पहले बताया कि बटन और ऑयस्टर के बारे में जानते हैं लोग ज़्यादातर, और मशरूम्स के बारे में जानकारी ली, तो उसी के लिए हमने जैसे यहाँ लगा रखा है। ये भी आप देखेंगे ये कम्प्लीटली, ये ऑयस्टर सॉरी ये लोइंस मैने जिसको हेरेसम मशरूम भी कहते हैं, नंबर नाम दोबारा बताना, लॉयंस मैंने अच्छा। और इसको हेरेसम मशरूम भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम हेरेसम है। तो इसका फ्रूटिंग अभी स्टार्ट हो गया, जैसे यहाँ पे ये होती है ठंड के अंदर, ये लोस्ट ये अपने 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसका प्रोडक्शन होता है, तो ये भी सर्दियों में हमने यहाँ पे लगा रखा है। और जैसे ये एक्चुअली सोडस्ट पे होता है हमारा, ये सिटाके मशरूम का हमने लगा रखा है। तो आप देखेंगे तो इसका ये जो माइसिलियम है, जो इसका जो जाला है फंगस जिसको हम माइसिलियम कहते हैं, ये अब नीचे स्प्रेड हो रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। ये सोडस्ट में हम करते हैं, लकड़ी का जो बुरादा होता है उसके अंदर इनका प्रोडक्शन होता है। अब ये कम्प्लीटली से पूरा फैल जाएगा, इसके बाद हम इसको सॉफ्ट ट्रीटमेंट देंगे, मतलब ठंडे पानी के अंदर इसको 3-4 घंटे तक इसको डुबो के रखते हैं, उस तरह का हम सॉफ्ट ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जैसे टाके का वगैरह हो गया, ऐसे हमने कई मशरूम्स का यहाँ कम्प्लीटली हमने डेमो लगा रखा है। और इसमें जब अभी फ्रूटिंग वगैरह अभी कुछ 10-15 दिन में स्टार्ट होने लग जाएगा, क्योंकि अभी ठंड अभी सीजन है अभी काफ़ी, तो उसमें ये अभी प्रोडक्शन होने लग जाएगा। तो फार्मर्स यहाँ आते रहते हैं तो उनको क्या देखने को काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। और ये हमने डेमोनेस्ट लगा रहा है, जैसे आप रैक में भी कर सकते हैं उसको, और अभी इसका काम बाकी है इसका डेमोनेट का, इसमें आप हैंगिंग मेथड भी हम करेंगे ऑयस्टर वगैरह के लिए भी अगर चाहे तो, या बटन कैसे वो सॉरी मिल्की वगैरह के लिए हैंगिंग कर सकते हो कोई नहीं, उस तरह का हम अब इसमें कर रहे हैं काम अभी। और सेकेंड यूनिट में हमारा उसमें बटन और ऑयस्टर का स्पेशली हमने उसमें कर रखा है कि बटन और ओनली ऑयस्टर, इसमें हमारा ये हमारा एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं कि कितना हमारा स्पॉन जो हमारे कंपनी का मैन की स्पॉन प्रोडक्शन का, तो कितना स्पॉन का उसमें प्रोडक्शन आ रहा है, कितने टाइम में इसमें ये जो माइसिलियम जो मैं बोल रहा हूँ ये कितने टाइम में इसमें स्प्रेड हो रहा है, कितने टाइम में फैल रहा है, ये कितना प्रोडक्शन आ रहा है, कौन कौन सी बीमारी आ रही है, तो उनका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि किसानों के हमारे पास कॉल आते हैं बहुत, जब जो किसान यहाँ से हमारे से स्पॉन लेके जाते हैं, तो उनके सीधी सी बात है हर किसान की सब चीज़ सही नहीं होती, बीमारी आती है, तो बीमारियों का सोल्यूशन भी हम बता पाए उसके लिए हम ये काम करते हैं। हमारा खुद R&D होता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो हम यहाँ खुद करते रहते हैं। ये हमारा कॉमर्शियल हम प्रोडक्शन करके सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं करते, ये ओनली डेमो लगा रखा है हमने फार्मर्स के लिए। तो जब भी कोई अगर फार्मर यहाँ विजिट करना चाह रहा है तो कभी भी आ सकता है, उसका कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कभी भी आके बिल्कुल ओपन यहाँ पर देख सकता है, सीख सकता है। हाँ बिल्कुल, उसका कोई चार्ज नहीं है, गाइडेंस वगैरह जो चाहे, हम हर सैटरडे संडे हम फार्मर्स को यहाँ हम टाइम देते हैं पूरा दिन, कभी भी आना चाहे ना तो सैटरडे संडे यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा मार्केटिंग का, कल्टीवेशन का, कैसे सब्सिडी लेनी है, कैसे फार्म सेटअप करना, वो पूरी जानकारी हम यहाँ देते हैं उस तरह का। तो दोस्तों मेरे को ये सब चीज़ ये चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी कि किसान की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे उनको कोई भी प्रॉब्लम्स आई, मशरूम में दिक्कत आ रही है, ग्रो होने में दिक्कत आ रही है, तो इन्होंने खुद का ही डेमो यूनिट लगा रखा है ताकि खुद से रिसर्च कर सकें, देख सकें कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होता है, तो ताकि पहले खुद सोल्यूशन कर पाएँ और फिर किसान को जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन कर पाएँ। तो ये चीज़ बहुत बेस्ट है, हम दूसरी यूनिट में आपको लेके चलेंगे इस यूनिट के बाद में। तो हम दूसरी डेमो यूनिट के अंदर आए हैं जिसमें ओवेस्टर और बटन मशरूम दोनों की कल्टीवेशन की जाती है। तो सर से हम पूछेंगे किस तरीके से कल्टीवेशन की जाती है और कौन कौन से मेथड से की जाती है, और जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई जाती है, तो सर से हम पूछते हैं इनके बारे में। तो सर आप बताइए किस तरीके से कल्टीवेशन की जाती है। बटन मशरूम की खेती दो तरीके से होती है, एक तो सीजन वाइज होती है जो सीजन में अपने अक्टूबर से लेकर मार्च एंड तक चलता है, और एक राउंड ये जिसमें कंट्रोल एसी वाला जो सेटअप होता है उसमें होती है पूरे 12 महीने। तो सीजन में जो फार्मर खेती करते हैं वो बिल्कुल ऐसे कच्चा हट बना लेते हैं, बाजरे कड़प से इसे राजस्थान में क्या करते हैं, बाजरे कड़प या UP, BR, MP, अपने पंजाब हरियाणा वहाँ पुआल होती है, पराली
जिसको कहते हैं हमने चावल वाले धान जिसको, उससे पूरा स्ट्रक्चर आउटर बनाते हैं, अंदर उसको ब्लैक पॉलिथीन से कवर कर देते हैं, जैसे हमने ब्लैक पॉलिथीन से कवर कर रखा है, इंसुलेटेड होता है इस तरह। अब बटन मशरूम की खेती दो तरीके से होती है, एक होता है अपना बैड मेथड, इसको बेडिंग मेथड कहते हैं एक्चुअली, जो पूरा ट्रे टाइप बना करते हैं, हाँ ये बिल्कुल ट्रे हमने जैसे इसको बना रखी है, उसका ट्रे ये नीचे पॉलिथीन बिछा रखी है, इसको बेडिंग मेथड कहते हैं। और एक होता अपना बैग मेथड, जिसमें हमने बैग में कंपोस्ट भर के वो कर रखी है। हमने यहाँ इस यूनिट के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि हमारा काम एक्सपेरिमेंट करने का है, ना कि हम इसको प्रोडक्शन करके सेलिंग करने का नहीं है हमारा, कि फार्मर को जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन कैसे हो। सपोज जैसे हमने ये वाले जो बैड है, इसमें हमने क्या किया, इसको कम्प्लीटली पूरा तैयार किया, पिनिंग आने केसिंग वगैरह कर दी, पिनिंग आने के बाद हमने इसको बिल्कुल ड्राई किया, उसके बाद हमने इसका प्रोडक्शन अभी लिया जाके, क्योंकि पिनिंग डेड होती है उस केस में फार्मर क्या करे, या कंटेमिनेशन आता है उस केस में फार्मर क्या करे, या ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का, वो हमारा एक्सपेरिमेंट ही हम यहाँ करते रहते हैं उस तरह का। तो ये आप देख रहे हैं पूरा एक बैड हमने बना रखे दो। अब ये जब बैड का मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि हम ये जो बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं। जैसे सपोज आपका ये 8 फीट का बांस है, ये इसके बाहर 8 फीट है, टोटल 10 फीट का बांस है, 2 फीट हमने ज़मीन में गाड़ते हैं, और ये जो इसके इधर वाले बांस है जो आप उधर वाले देख रहे हैं तो खैर ऊपर तक जा रहा है, जो पीछे वाला बांस देख रहे हैं ये भी सेम 8 फीट का बांस है, ये कम्प्लीट ये भी ऊपर वाला। तो इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखोगे रैक्स के अंदर, तो इसमें 4 रैक है, ये 1, 2, 3 और ये ऊपर 4, इस तरह से टोटल 4 रैक बन रही है 8 फीट के पास में। वहीं इधर वाली रैक में हमने क्या कर रखा है, इसमें टोटल 5 रैक बन जाएगी आपकी। जैसे उधर नीचे आप देखोगे तो बेड हमने बना रखा है एक, तो यहाँ एक बेड आप नीचे बना सकते हो कम्प्लीटली, एक ये आ गया, 2, 3, 4 और 5, मतलब 8 फीट के बांस में आप 5 इधर बन गई जबकि इधर 4 बन रखी है। उसका कारण क्या है, हमने इधर 2 फीट का गैप दे दिया और इधर हमने 1 फीट का गैप दे रखा है। तो फार्मर क्या करता है, वो कम कॉस्टिंग करने के लिए यहाँ नीचे का बिल्कुल पूरा यूज करता है, 2 फीट का गैप देके सीजनल जो खेती करते हैं वो पूरा नीचे का भी यूज कर लेते हैं, और इस तरह 5 रैक्स में काम कर सकता है। जनरल लोग 4 रैक में काम करते हैं, 5 पे कोई जाता नहीं है, इतना हाइट भी नहीं लेते लोग, बट ये हमने डेमो यूनिट लगा रखी इसलिए। अब ये देख रहे हैं आप बैग्स में पूरा प्रोडक्शन वगैरह, अभी हमने फ्लस वगैरह इसका निकल चुका है। तो यहाँ जैसे जो प्रॉब्लम आती है हमारे को भी, तो हम उसको फिर उसको करते हैं सोल्यूशन वगैरह, कैसे ट्रीटमेंट वगैरह करके फिर फार्मर को उसको सोल्यूशन बताते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने। तो सर मेरा एक क्वेश्चन और है, तो आप सिर्फ ये डेमो के लिए रखते हैं, बाकी आप स्पॉन की सेलिंग करते हैं बाकी जो फार्मर्स का? हाँ, हमारी कंपनी का काम ओनली स्पॉन प्रोडक्शन का है, हमारी खुद की स्पॉन लेबोरेटरी है, और फार्मर को ट्रेनिंग देना, सब्सिडी वगैरह दिलवाना और फार्म सेटअप करवाना, ये अलाइड सर्विसेज कंपनी की प्रोवाइड करवाती है, बाकी हम खुद प्रोडक्शन नहीं करते ना ही हम सेल करते हैं। ये जो प्रोडक्शन आ रहा है ये भी हमारे आसपास या इधर उधर लोगों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हम ये R&D करते हैं, मतलब इसका रिसर्च हम करते रहते हैं, ताकि जो फार्मर्स को समस्या आ रही है वो जब हमारे से पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, वरना होगा कि हमने रिस्पॉन्स दे के फिर हो जाते हैं लोग कि भैया मुझे नहीं पता, आप बात कर लो अपने कंसल्टेंट से, बात करो इससे, बात करो। तो कंसल्टेंट से बात क्यों करेगा, आप किस लिए बैठे हो, आपको तो पता होना चाहिए ना कि इसमें क्या प्रॉब्लम आया था, सोल्यूशन क्या है। रिस्पॉन्स देना ही नहीं हुआ कि आप रिस्पॉन्स दे के अपना पैसा ले लिया बात खत्म, नहीं, हम उसको एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं कि आपने यहाँ से रिस्पॉन्स लिया है तो इसका मार्केटिंग भी कैसे करना है वो तक बताते हैं हम, पैकेजिंग कैसे करनी, इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी। अगर कोई फार्मर इच्छुक होता है कि सर मुझे तो मेरा ब्रांड लॉन्च करना है, जैसे अभी हमारे एक यहाँ अलवर में फार्मर था, तो हमने उसका उसका ब्रांड लॉन्च करवाया बकायदा पूरा उसके बाय प्रोडक्ट्स के अंदर कंप्लीट, उस तरह का हम काम करते हैं सर। कोई अगर उस तरह काम करना चाहता है तो हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं ओनली स्पॉन देके हम फ्री हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होती। जो जैसे जुड़ना चाह रहा है, अगर इंटरेस्टेड है, अगर हमको लगता है कि वास्तव में काम करना चाह रहा है, तो हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, उसके लाइसेंस वगैरह दिलवाना सब चीज़ें हम करवाने वो हम करवाते हैं, उस तरह का बिल्कुल सपोर्ट। हाँ जी, तो धन्यवाद सर ये पूरी जानकारी आपने जो हमको दी, इसलिए आपने हमको हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे बस आगे बढ़ते रहें और किसानों को जॉब करवाते रहें, और हम जैसे स्टूडेंट भी आपसे जुड़ते रहें। हमारा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़े, क्योंकि अगर किसानों को साथ लेके नहीं चलेंगे या उनका आप नुकसान करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। हम मैं मेरी बात बता दूँ, अगर अच्छी क्वालिटी का स्पॉन हमारी कंपनी नहीं देगी तो दोबारा कोई नहीं लेगा। तो हमारा फोकस ये होता है कि हम एक सेंट्रिक कर रखा है, मतलब एक चीज़ पर फोकस कर रखा है स्पॉन पे, कि हम ओनली स्पॉन देंगे। तो हमारा फोकस उस पर है कि उसकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी कैसे दे किसानों को, ताकि उनका भी ज़्यादा प्रोडक्शन आए, उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा किसान हमारे से जुड़े। हम हर कंपनी वही चाहती है, तो हम कभी भी नहीं चाहते कि भाई गलत क्वालिटी का या अच्छी थोड़ा उसका ख़राब स्पॉन हम उनको दें। बस यही है कि लोगों के साथ लेके चलना, हमारे को भी हम बढ़ रहे हैं, लोगों को ऐसे बढ़ रहे हैं।
लोग जिस दिन हमारे पास नहीं आएंगे कोई नहीं आएगा, हम भी ख़त्म है, सीधी सी बात है। तो हमारा सीधा कॉन्सेप्ट है कि लोगों को साथ लेके चलो, इसीलिए हम इस तरह का R&D हम खुद करते रहते हैं कि लोगों को समस्या का सोल्यूशन भी हम दे सकें। थैंक यू दोस्तों, तो हमने की थी सर से बात।